कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की मोकाल श्रेणी में स्थित है, जो भारत का सबसे प्रमुख और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। कान्हा का क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, एक पहला और दूसरा बंजर है, जिसमें कुछ भी नहीं है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र में स्थित है, जो इसे अधिक अनूठा और वास्तविक बनाता है। यह माना जा सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए जाना जाता है। 940 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बहुत संख्या में शाकाहारी और मांसाहारी पशु हैं। यह मुख्य रूप से टाइगर का निवास स्थान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए, सुस्त भालू, सांभर, चीतल, गौर और भारतीय जंगली कुत्तों को इस पार्क में घूमते हुए देखा जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें साल, सज, धोर, अर्जुन, तेंद, आंवला, पलास आदि बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया भर में रॉयल बंगाल टाइगर्स की आबादी के लिए जाना जाता है। इस पार्क में वाइट टाइगर का निवास स्थान है। वाइट टाइगर बहुत ही खूंखार और साइज में बहुत बड़ा होता है, जो 350 किलो तक हो सकता है। इस जंगल के अंदर सबसे ज्यादा बाघ हैं, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ विलुप्त भी हो चुकी हैं। मटर मुर्गी, सार्स, तालाब के बुगले, हरे कबूतर, भारतीय मुर्गी, कोयल आदि बहुत से पक्षी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में अजगर, कोबरा, करेत और अन्य प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में फिर से।